राम मंदिर के लिए पाक क्रिकेटर का जबरदस्त जुनून, हरी जर्सी तो पहना लेकिन राम से है सुकून। पाकिस्तान से भी रामलला के विराजने का हो रहा है इंतजार, हाथ में भगवा झंडा लेकर पाक क्रिकेटर हो रहा बेकरार। पाक में जय श्री राम का नारा कर रहा बुलंद, पाक क्रिकेटर राम भक्त बन गा रहा भजन। वैसे तो इस वक्त पूरे देश में रामलला के पधारने का भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही, हमारा मतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हालांकि इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी जोर जोर से हो रही है। लेकिन शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भी रामलला के पधारने का इंतजार है। एक पाक दिग्गज क्रिकेटर बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक रहते हैं लेकिन मुसलमानों के आगे उनकी एक नहीं चलती है, लिहाजा कहा जाए तो वहां वो लोग अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर पाते। ऐसे हालात में एक दिग्गज खिलाड़ी जिसने हरी जर्सी पहन भारत के खिलाफ कई विकेट झटके, वो आज पाकिस्तान में बैठकर बेखौफ जय श्री राम के नारे लगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए 276 विकेट लेने वाले दानिश कनेरिया की, जो एक पाकिस्तानी हिंदू हैं। वो बेसब्री से प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में भगवा झंडा लेकर अपनी फोटो शेयर की है। दानिश कनेरिया ने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन का है इंतजार, बोलो जय श्री राम। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस मुल्क में इस्लाम का दबदबा है वहाँ एक हिंदू अल्पसंख्यक बेखौफ राम मंदिर के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। जहाँ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन आम बात है, जहाँ उन्हें मुसलमानों को जो अधिकार मिलते हैं वो भी मयसर नहीं है, ऐसे मुल्क में बेबाकी भी खतरे से खाली नहीं। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट और 18 वनडे मैचेस खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 261 विकेट लिए और वनडे में 15 विकेट झटके। वनडे में वो कुछ खास नहीं कर सके लेकिन टेस्ट में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे। उन्होंने 15 बार मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया और 2 बार मैच में 10 विकेट लेने में कामयाब रहे। वहीं क्रिकेट से संन्यास के बाद कनेरिया भारत के फेवर में बयानबाजी करते रहे और कई मौकों पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भेदभाव के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम में हिंदू होने की वजह से उनके खिलाफ दोहरा व्यवहार किया जाता था। कनेरिया पीएम मोदी और बीजेपी का भी सोशल मीडिया पर जमकर समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में ये तो तय है कि उनके रुख को देखते हुए पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ भी होंगे, लेकिन ये तो तय है कि राम नाम की लॉ पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आ रही है। दानिश कनेरिया के राम प्रेम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी बेसब्री से भगवान रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत पॉजिटिव। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।